Good morning, students. Now, yesterday we have discussed about the diversity in living world. कि लिविंग वर्ल्ड में कितनी वैरायटी है एनिमल्स और प्लांट्स की. एंड वी हैव डिस्कस सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन. राइट, नाउ एज वी नो देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी है बेटा लिविंग्स में. And it is very difficult to study each and every living organism separately, right? तो हर एक को एक एक करके पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल काम है. To make the study easy, we have one system which is called classification. तो what we have done, हमने animals को groups बना दिए depending upon the certain characteristic features. उनके कुछ हमने बाहर से गुण देखे. And those who are having the same features, we keep in one common group. Clear? तो उनके हमने groups बना दिए. Now these groups may be smaller or larger. Clear? और उन groups को हमने बोला taxa. Right? उन groups को क्या बोला गया बेटा? Taxa. Clear? Now let's see what is classification. So classification basically क्या है? Classification is the process by which anything is grouped. जिससे हम ग्रुपिंग करेंगे बेटा चीजों को. ग्रुप इनटू कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन ऑब्जर्वेबल करैक्टर्स, जो हमें दिखाई देते हैं. ऑब्जर्वेबल मींस जो दिखाई देते हैं. नाउ ईच ग्रुप, नाउ दिस ग्रुप कैन बी स्मॉल, दिस ग्रुप कैन बी लार्ज. सो दीज ग्रुप्स जो हमने बनाए हैं, वी कॉल देम टैक्सा. हर एक ग्रुप को हमने टैक्सा बोला. क्लियर बेटे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट सर्टेन प्लांट्स और मैमल्स, तो मैमल्स इज वन ऑफ द टैक्सा. अगर मैं मैमल्स की बात करूँ, ठीक है, तो मैमल्स अपने आप में एक टैक्सा है बेटा. क्लियर? प्लांट्स की बात करूँ तो सारे प्लांट्स भी एक टैक्सा है. राइट? नाउ डॉग इज अ मैमल. क्लियर? मैमल्स आर एनिमल्स, वी नो. तो एनिमल्स सारे एक टैक्सा है, मैमल्स अलग से एक टैक्सा है, डॉग अपने आप में एक टैक्सा है. तो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ दैट टैक्सा. क्लियर? ये डिफरेंट लेवल्स हैं. क्लियर? है सब टैक्सा है, लेकिन दे आर रिप्रेजेंटिंग टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. डॉग्स एक अलग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लियर? अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स एक अलग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैक्सा के. क्लियर? अब मैमल्स किस में आते हैं? एनिमल्स में आते हैं. तो एनिमल इज वन ऑफ द डिफरेंट टैक्सा. क्लियर? तो ऑल दीज ग्रुप्स टुगेदर कॉल्ड टैक्सा बेटा. क्लियर? अब ये ग्रुप्स प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एनिमल्स में भी हो सकते हैं. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? अब टैक्सोनॉमी क्या है? क्लियर? टैक्सोनॉमी यू कैन से इज द प्रोसेस और इज द ब्रांच जिसमें हम ग्रुपिंग करेंगे. वी मेक द ग्रुप्स. क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड. हम सारे लिविंग्स के ग्रुप्स बनाएंगे इनटू डिफरेंट टैक्सा. क्लियर? एंड दिस प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, और ये जो प्रोसेस है चीज़ों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाना, क्लियर, फॉर द क्लासिफिकेशन वी कॉल इट टैक्सोनॉमी. क्लियर? दिस प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, राइट, वी कॉल इट टैक्सोनॉमी. राइट बेटा? नाउ if we talk about the taxonomy of the organism, clear, it based upon certain knowledge. to ye jab groups banayenge ye kuch points pe depend karega, kuch knowledge pe depend karega. like first point, external form and structure. external form bahar se kaisa dikhta hai aur uski structure kya hai. ab koi organism bahar se kaisa dikhta hai beta, uska structure kaisa hai, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. तो फर्स्ट पॉइंट है, ग्रुपिंग डिपेंड्स अपॉन द मॉर्फोलॉजी. राइट? देन इंटरनल स्ट्रक्चर, आपने उसको काट के देखा अंदर वो कैसा है, दैट इज एनाटॉमी. तो सेकंड थिंग, वी हैव टू स्टडी द, पहले मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, उसके बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे. देन सेकेंड पॉइंट, वी हैव टू स्टडी द एनाटॉमी.
क्लियर कि हाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज देयर. देन थर्ड पॉइंट इज सेल स्ट्रक्चर. थर्ड इज सेल साइटोलॉजी मीन्स वी स्टडी द सेल, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स दैट ऑर्गेनिज्म इज हैविंग. तो पहले उसको बाहर से स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी, देन एनाटॉमी उसके अंदर क्या है, देन व्हाट टाइप ऑफ सेल इट इज हैविंग. तो वी स्टडी ऑल दीज फीचर्स. फोर्थ इज एम्ब्रियोलॉजी, हाउ दैट ऑर्गेनिज्म इज डिवेलपिंग, वो कैसे डिवेलप हो रहा है एम्ब्रियोलॉजी, उसकी डिवेलपमेंट कैसे हो रही है ऑर्गेनिज्म की, तो वी विल स्टडी दैट. देन फिफ्थ वन इज फॉसिल्स. क्लियर कि पुराने जो ऑर्गेनिजम्स हम उनको स्टडी करेंगे, फॉसिल्स को स्टडी करेंगे ग्रुप्स बनाने के लिए. एंड सिक्स एंड द लास्ट फीचर दैट इज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स. सो दीज आर द बेसिक सिक्स पॉइंट्स ऑन द स्टडी. आफ्टर स्टडी ऑफ ऑल दीज सिक्स पॉइंट्स वी विल मेक द ग्रुप्स. क्लियर. Now, these characteristics, identification, nomenclature and classification are the process that are basis of taxonomy. तो taxonomy means group बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो characters पता होने चाहिए. जब आपको characters पता चल जाएंगे बेटा, फिर आप उसको identify करोगे कि वो कैसा है, किसके साथ match करता है. ठीक है, फिर आप उसका nomenclature करोगे, हमने जैसे कल किया था, फिर आप उसका नाम रखोगे. ठीक है, नाम रखने के बाद यू विल अलॉट अ पर्टिकुलर ग्रुप, फिर आप उसको एक ग्रुप में रखोगे. ठीक है, नाउ सो दिस वे ऑल दीज थिंग्स मीन्स करेक्टराइजेशन, उसके करेक्टर को स्टडी करना, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. सो ऑल दीज थिंग्स विल फॉर्म द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी. इन सारी बातों के आधार पे हम टैक्सोनॉमी करेंगे, यानी कि ग्रुपिंग करेंगे. The word systematics is derived from the Latin word systema. जो systematics word है बेटे वो systema से derive किया गया, which means systematic arrangement of organism. Clear? Systematics, one word is there. It is derived from the Latin word systema. इसको हमने systema word से derive किया, systematics. It is given in your book. Systema का मतलब होता है, clear? Systematical arrangement of the organism. So this way we will arrange different animals into different groups. Clear beta? So today I will discuss only this much. Clear? You will read your lesson also from the book. If any problem, we'll discuss in the class. Thanks and have a nice day, beta.